गाइस, आई एम अंकुश फ्रॉम अंकुश एमसीपीई। तो मैं आज हम माइनक्राफ्ट का थर्ड पार्ट खेल रहे हैं। तो आज हम फार्मिंग करने वाले हैं। तो फार्मिंग के लिए सबसे पहले हमें होई बनानी पड़ेगी। होई बोलते ना उसको, क्या पता। तो होई और एक बकेट बनानी पड़ेगी। बकेट के लिए पहले 3 आयरन निकाल लेता हूँ। मैंने होई के लिए तो पहले से सामान इकट्ठा कर रखा है। तो अब क्राफ्टिंग टेबल में जाते हैं और ये मैंने होई बना ली है एक। तो अब मैं एक बकेट भी बना लेता हूँ। इसके लिए ऐसे वी वाली शेप बनानी पड़ेगी इधर। तो ये मैंने बकेट भी बना ली है। तो अब मैं इस बकेट से यहाँ पे पानी भर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा पानी भरने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो मैंने ये पूरा पानी भर लिया। मैंने ये ऊपर ऐसे स्लैब्स भी लगाए हैं तो ये अच्छे लग रहे हैं। ऐसे पानी में भी अंदर बाबा और पैर नहीं घुसते। इधर से दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये यहाँ पे किया है मैंने। तो अब फार्मिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसे ही पूरे में होल करनी पड़ेगी। सारे सीड्स लगा देते हैं। सीड्स जो हमारे वीट सीड है। तो अब हाँ, यहाँ भी लगा देते हैं। और आज हम आयरन के आर्मर्स वगैरह बनाने वाले हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे आयरन मिल चुके हैं। भाई मैंने माइन करी थी, मुझे एक बड़ी वाली माइन भी मिली पर मैं उसमें नहीं जाऊँगा। उसको कभी बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी मैंने पूरे खेत कर लिया है। तो अब हम यहाँ से वो आर्मर बनाने के लिए सामान लेते हैं। आर्मर वो टूल्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम हमारी टोपी बनाएंगे, हेलमेट। तो सबसे पहले ये हमारा हेलमेट बन चुका है। तो अब हम चेस्ट प्लेट बनाते हैं। हम लेगिंग्स, बूट्स और पहले अब स्टिक्स भी बना लेते हैं। तो इतनी तो ये मैंने 12 स्टिक्स बनाए। तो 12 काफ़ी होगी। मैंने कहा एक स्वाड बना लेते हैं, तलवार, एक पिकिक्स बना लेते हैं और एक एक्स बना लेते हैं क्योंकि ये रहता है मैन शॉवल वावल तो क्या काम आती है। तो पहले तो मैं मुझे एडवांसमेंट मिल चुकी है बहुत सारी। दो एडवांसमेंट मिली है, सबको पहन लेता हूँ। तो मैंने पूरा आर्मर पहन लिया है और मैं पहले अपनी इन्वेंटरी को खाली कर देता हूँ। इसको एक्स को भी रख देते हैं। तो है हमारे पास फिश भी कर रही थी। यहाँ इधर जो ये फिश ऐसे घूमती रहती है ना, यहाँ पे मैंने फिशेस मार लिए हैं। तो मुझे इनसे बहुत सारी फिश मिल गई थी तो मैंने यहाँ पे भी पकाने के लिए रख दिए। तो यहाँ से एक और चारकोल रख देते हैं। तो मैंने चारकोल ही बना लिया था, शायद पिछले एपिसोड में बना लिया होगा, पता नहीं। तो मेरे पास 49 वो आ गए भाई, बहुत बड़े। तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। वही हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम एक मशीन बनाने वाले हैं, मतलब एक फार्म बनाने वाले हैं। उसका नाम है बोन मील फार्म। तो उसके लिए हमें 2 बैरल, मतलब आप चेस्ट भी ले सकते हैं उसमें। तो चेस्ट में तो 2 बैरल लिए हैं, तो मुझे बैरल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बैरल रख देता है, पहले इधर रख लेते हैं। 2 बैरल, 2 ऊपर एंड 1 कंपोस्टर। एक बैरल ऐसे रखो, उसके बाद यहाँ पे ऊपर लगाओ ऐसे अटैच हुआ था। मैं इसमें एक चीज बैक के देख लेता हूँ, देखिए जाएगी या नहीं। चली गई, बहुत बढ़िया। तो मैं इसको ले लेता हूँ और अब इसके ऊपर हमें एक कंपोस्टर को प्लेस करना है। तो मैंने ये कंपोस्टर लगा दिया है और अब इसके ऊपर एक और होपर जाएगा। तो ये एक और होपर लग गया, अब एक और बैरल जाएगा। उधर
से लगाएंगे, उधर से नहीं, इधर से लगाएंगे, इधर से थोड़ा सामने से अच्छा लगा कि हमने मिरर लगा दिया। अब इसको यहाँ से तो अब जो मेरे पास सील्ड है ना उनको लेके आता हूँ मैं। तो मेरे पास 60 सीड है तो मैंने ये ले लिए, तो मैं इनको इसमें डाल के फिर दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये कंपोस्ट काम करना स्टार्ट करते हैं, मैं इस ब्लॉक को तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखो वो बोन मिल बनी तो यहाँ गई, ये रही। और तो अब मैंने यहाँ पास में माइन करी थी, मैं वहाँ पे आया हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा माइन की थी भाई, तो मुझे यहाँ पे ये रेड स्टोन वगैरह मिला है, तो मैं इनको तोड़ना है। रेड स्टोन लैपिस लाजुली मिला है तो मैं इनको तोड़ लेता हूँ। तोड़ो तो ये सारे रेड स्टोन्स को तोड़ना पड़ेगा। बहुत ब्लॉक्स भी लेते हैं यहाँ लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ के तो सारे रेड स्टोन तोड़ दिए। अभी आगे भी हैं, ये और भी हैं। तो ये लैपिस लाजुली भी है, यहाँ इसको भी तोड़ लेते हैं। स्टोन किसे भी तोड़ सकते हैं, पर मैं आयरन कैसे तोड़ूंगा, शायद ज़्यादा मिलते हों पता नहीं। और इधर कोल है, इसको भी तोड़ लेते हैं। कोल बांधने काम आता है ये। और तो मैंने सारा कोल तोड़ लिया और मुझे 12 कोल मिला है पूरे। तो अब और आगे आगे और रेड स्टोन हैं, स्टोन तोड़ लिया। और यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, तो अब इसको तोड़ते हैं। रेडस्टोन तो बहुत ज़्यादा मिल गया, बस अब डायमंड मिलने की देरी है भाई, तो मज़ा आ जाएगा डायमंड मिलते हैं। तो ये मैंने सारे तोड़ लिया, अब मैं आपको बाहर मिलता हूँ। तो मैं बाहर आ चुका हूँ और अब वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी ऐसी नई वीडियोस आपको मिलते रहे। पास वाली बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना, ताकि मेरे सारे न्यू वीडियोस के सब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।